아침의 쌀과 모닝콜로 너와 시작. हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे तो आज ले चलती हूँ आपको को मंदिर तो अभी अभी हम लोग मंदिर से बस कुछ देर पहले आए हैं घर और घर आए तो कपड़ा चेंज किया स्नान किए और स्नान करने के बाद अभी अभी बैठे हैं आप सबसे बात करने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में लेकिन रास्ते में जाते वक्त बहुत भीड़ थी बहुत भीड़ थी क्योंकि सावन मंथ चल रहा है और ये जो है लास्ट मंथ है इसी वजह से हमारे बैजनाथ धाम हम जाने वाले जितने भी गाँव और के लोग हमारे बिहार के चाहे से यूपी के भी आसपास के लोग होते हैं बहुत सारे भीड़ थी जो हमारी गाड़ी थी ट्रेन में तो यहाँ सब आए हुए हैं हम लोग महावीर मंदिर ये हनुमान जी का मंदिर है और ये यह जो यहाँ के हनुमान जी है बहुत जगता हनुमान जी है, लगता है कि साक्षात ये हनुमान जी हमारे जगह पर यानी हमारे जो राज्य होते हैं वहाँ पर ये स्थापित है और ये तो बहुत नामी हमारे महावीर जी हैं तो देखिए यहाँ पर सभी लोग ऐसे एक लाइन से लगे हुए हैं लाइन की कतार लगी हुई एक साइड से लोग जा रहे हैं और एक साइड से लोग निकल रहे हैं बाहर सब भी लोग चढ़ा चढ़ा कर और ये पंडित जी भीड़ हटा रहे हो देखिए यहाँ कैसे दिख रहे हमारे पौन पुत्र राम भक्त देखिए तीन नेत्र वाले यानी महावीर जी हैं हनुमान जी यहाँ पंखा तीन नेत्र है और एक भुजा है तीन नेत्र लोग बोलते हैं लोग कि हाँ देखिए हमारी जो पूजा है सब कुछ हो चुका है पूजा इन प्रसाद चढ़ाना था और धाजा लगाना था इनको क्योंकि अपना जो हमारा लड़का है बहुत छोटा पैदा हुआ था उसी टाइम मैंने अपने जो महावीर जी ने भगवान से मैं मन्नत मांगी थी किसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा या ठीक हो जाएगा तो मैं आपके पास नहीं मैं फिर आऊँगी को होता है मानो का जो एक जीव होता है यही तो होता है तो देखिए यहाँ पर ये यह शंकर भगवान है यहाँ पर शंकर भगवान की जो मंदिर चांदी का मंदिर है फिर हम लोग आ गए ऊपर में ये अशोक का पेड़ है देखिए अशोक का पेड़ की भी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं लोग और जो भी अपना होता है लोग चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में जो प्रसाद जो लड्डू होता है यानी जो मेवा लड्डू बोलते हैं मेवा लड्डू यहाँ पर होता है और जो मकदल बोलते हैं वो है हमारे हस्बैंड जा रहे हैं ऊपर में और हमारी जो वीडियो लंबा हो जा रही थी इसी वजह से हम कुछ को स्लो में कर दिए हैं यानी फास्ट कर दिए हैं तो यहाँ देखिए हम भी जा रहे हैं ऊपर में और इतना ना सब यहाँ पर ऐसे हनुमान जी की जो आरती हो रहा था या यानी जो भजन होता था माइक में आवाज़ हो रही थी इसी वजह से आवाज़ को यहाँ का म्यूट करना पड़ा है अपना खुद को खुद से मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ और मैं ऊपर में चढ़ गई हूँ ये जो है चार फ्लोर है मंदिर का तो यहाँ देखिए यानी राम जी लक्ष्मण जी जो कुशल्या माता होती हैं वो बैठी हुई हैं और यहाँ भी हैं तो ये लगता है कि ये भी सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं और देखिए हमारे आदि शक्ति यानी दुर्गा माता है और, और यहाँ पर हनुमान जी की स्थान है और देखिए यहाँ जो हमारा राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसका ये नक्शा है इसको नक्शा कहिए और यहाँ पर जो भी अपना ज जिसका जितना समर्थ होता है तथा शक्ति वथा भक्ति ये चंदे के रूप में यानी कुछ लोग अपना दान पेटी में यहाँ डाल रहे थे राम मंदिर बनाने के लिए और यहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा था यानी शंकर और पार्वती जी का बहुत अच्छा सा विशाल एक मूर्ति था वहीं पर और देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था अंदर में जो पंडित जी हो है बैठे हुए थे और साइड में जिनके पास मैं यानी रुद्राभिषेक जो करा रहे थे उन लोग बस दो ही लोग थे और देखिए यहाँ शंकर जी और साइड में पार्वती जी है और बहुत सुंदर लग रहा था और देखिए ऊपर का ये सीन है नीचे में मंदिर है हम सबसे ऊपर हैं यानी चौथा फ्लोर पर है और यहाँ से पूरी दिख रही है आधी लगता है कि आधी से आधी दिख रहा है यहाँ इस पर चढ़े हुए हैं तो तो अब हम लोग बाहर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से हमारी जो पूजा थी यानी बत्ती दिखाएं झंडा यहाँ पर गड़ा गया फिर उसके उसका प्रसाद चढ़ाया गया अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा देख कर के जो महावीर जो है ना आते हैं ना लगता है सब कुछ भूल जाते हैं लगता है सक्षात यहाँ विराजमान है हमारे हनुमान जी कहते हैं ना हमारे धर्म में कि जो हनुमान जी थे आज भी हमारे कलयुग भट सतयुग ये चारों युग में हमारे हनुमान जी सक्षात हमारे धरती पर विराजमान हैं संकट मोचन संकट हरने वाले तो यहाँ देखिए हम लोग तीसरे फ्लोर पर ऊपर से तीसरे फ्लोर पर नीचे आ गए हैं और नीचे भी आए तो बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पर अगिन कुंड है शायद में यहाँ पर अगिन यानी यहाँ पर जो होता है ना हवन पूजा करने के बाद तो यहाँ पर हवन होता है अच्छे से हम लोग घूमें और यहाँ पर कोई तरह की एक होता है ना कि धांधली के रूप में यहाँ पैसा चढ़ाओ वहाँ पैसा चढ़ाओ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था अपनी मर्जी के ऊपर जिसको तथा शक्ति व भक्ति आप अपने दान पेटी में डाल दिए या दान दक्षिणा में डाल दिए या आप कहीं डाल दिए तो वहाँ हम लोग पूजा खत्म हो गया फिर हम आ गए छोटा सा एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर कुछ पानी पीने